हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एक्चुअली मैं स्वस्थ नहीं हूं, स्वस्थ इन द सेंस कि थोड़ा लथार्जिक फील हो रहा है कुछ दिनों से यार, क्योंकि मैं वो इंटरनेशनल ट्रिप मार के आया और काफी दिनों से मैं डाइट नहीं कर पा रहा हूं अपनी फॉलो, तो मुझे बड़ा लथार्जिक सा फील हुआ। तो मैंने सोचा आज सुबह उठ के कि क्यों ना मैं वापस ट्रांसफॉर्मेशन पे चला जाऊं। समझ रहे हैं आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 आज से शुरू हो रहा है और मैं आपको इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में अपने साथ रखूंगा। ये 60 डेज का होगा या 90 डेज का होगा ये मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगा, क्योंकि अभी तक मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ मिनिमम 60 डेज तो डेफिनेटली होगा। और क्या क्या खाऊंगा, किस तरह का वर्कआउट करूंगा, किस किस बॉडी पार्ट पे मैं वर्कआउट करूंगा, वो सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में, और जो लोग मेरे साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करना चाहते हैं तो वो अभी से लग जाइए, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ शेयर करने वाला हूं। एक और बात, मेरा कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं होगा, मेरा कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं होगा, ये मैं खुद सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहा हूं। तो देखता हूं मैं सक्सेसफुल हो पाता हूं कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है और थोड़ा सा मेरे साइड में फैट आ गया है और फ्रंट में भी लोअर एब्स में फैट आ गया है, तो मुझे वो सब निकालना है। आई हेट दैट, जरा भी मैं अनफिट होता हूं ना, मुझे नफरत है उस चीज से। तो चलिए जिम चलते हैं और आपको साथ में लेके चलता हूं डे वन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 विद अमित पचौरी। लेट्स डू इट गाइस। और जो लोग नए जुड़े हैं वो फॉलो कर लेना प्लीज, सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी। सी यू। नेक्स्ट डे है मेरा, आई एम स्टार्टिंग विद अ बिग वन टुडे। और सबसे पहले मैं हमेशा एब्स मारता हूँ, एब्स। बहुत दिनों बाद बहुत सारा फैट जमा कर लिया मैंने, अब इसको खत्म करना है, फिनिश।
ये इस वक्त हालत है, कुछ यहाँ पे फैट आ गया है, ज्यादा हालात बिगड़े नहीं है, लेकिन हाँ करते हैं कुछ। आ गया हूँ घर पे वर्कआउट करके। पहले दिन का वर्कआउट हुआ और बड़ा ही टफ होता है, क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हो ना, तो आपके पहले दो हफ्ते ना बहुत डिफ़िकल्ट जाते हैं, क्योंकि आप लो फील करते हो, आपकी वर्कआउट की इंटेंसिटी जो होती है ना वो बढ़ जाती है ना, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन भी होता है, आपकी मसल्स दुखती हैं, आपकी बोन्स में दर्द होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो है ना वो बहुत टॉप क्लास होता है। तो आप अगर मेहनत करते रहोगे ना तो पक्का अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो एनीवेज अभी हालात इतने बिगड़े नहीं है मेरी बॉडी के, लेकिन फिर भी मुझे बहुत 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 अच्छा अंडर 10 पहुंचना है ट्रांसफॉर्मेशन में, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज, और वो मैं पहुँचा के रहूँगा। तो मिलते हैं कल, अभी मैं पीऊँगा अपना प्रोटीन और कल हमारी मुलाकात होती है वापस जिम में।